एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली किसी की अपनी खोज, अपनी इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये है एक एडवांस कॉपी ह्यूमन ब्रेन की। और जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो एआई को कैसे कंट्रोल करेगा? What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. आज AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हर किसी की एक्सेस में है, हर कोई इसको यूज कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है और ये कैसे बनी। और आज कहा जा रहा है कि ये इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। For the first time ever, we may have things more intelligent than us. और आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक्सपर्ट्स जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो इसको लेकर इतने परेशान क्यों हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. AI एक एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये अभी आपने सुना एक ऐसे इंसान से जो इस प्लेनेट पे मौजूद 99.99% लोगों से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को करीब से जानते हैं। और यही समझेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन एलोन मस्क एक अकेला ऐसा इंसान नहीं जो एआई टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा खतरनाक समझता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे फेमस नाम है दुनिया में जो एआई टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा करार दे रहे हैं। AI is more dangerous than nuclear weapons. AI is the biggest disruptor in human history, and AI is about to take over completely. Wow. But if we don't start to spread the positives. I just want people to be aware that this is a really serious problem. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. But there is a greater danger from artificial intelligence. If we allow it to become self-designing. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely. You think these AI systems are better at learning than the human mind? I think they may be, yes. अभी आपने दुनिया के सबसे मशहूर नामों से सुना कि एआई टेक्नोलॉजी जितना इंसानियत के लिए हेल्पफुल हो रही है, जितना ये कामों को आसान बनाती जा रही है, उससे हजार गुना ज्यादा ये आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए खतरनाक भी हो सकती है। गॉडफादर ऑफ एआई यानी कि जॉफरी हिंटन, इनको गॉडफादर ऑफ एआई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे ज्यादा इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद कोई इंसान एआई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता। और इनका कहना है कि जब से इंसानियत बनी है, जब से इंसान इस दुनिया में मौजूद है हजारों लाखों सालों से, इस दुनिया में लाखों स्पीशीज पैदा हुई और हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई, जिनके बारे में शायद इंसान को कभी पता भी ना चले कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। जिनमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी गुजरी जिनके बारे में ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि वो कैसी दिखाई देती थी और क्या कैपेबिलिटीज थी उनके अंदर, और शायद आने वाले वक्त में भी कभी इंसानों को उसके बारे में पता नहीं चल सकेगा। लेकिन इन लाखों सालों में जितनी भी स्पीशीज इस दुनिया में गुजरी, उन सब में सबसे ज्यादा डोमिनेंट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमेशा से इंसान ही रहे हैं। इसीलिए तो आज हम इस जमाने में खड़े हैं कि हमने एआई जैसी टेक्नोलॉजी को बना लिया और उसको हर किसी के लिए एक्सेसिबल कर दिया, आम कर दिया। लेकिन यहीं पर इंसानों से गलती हो गई, जिसकी वजह से हम पहली बार इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट चीज का सामना कर रहे हैं, जो इंसान से भी ज्यादा एफिशिएंटली और शायद हजार गुना ज्यादा तेजी से चीजों को लर्न कर सकती है, और वो है एआई टेक्नोलॉजी। I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely. For the first time ever, we may have things more intelligent than us. और ये कहना है गॉडफादर ऑफ एआई यानी के जॉफरी हिंटन का, कि आज इंसान सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी है इस दुनिया की, यानी कि अब इंसान नंबर वन पे नहीं रहे इंटेलिजेंस के मामले में। और आज दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज है एआई टेक्नोलॉजी। आज हर कोई एआई टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा है, हर कोई जानता है कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है और क्या कर सकती है। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की
Who was the inventor of artificial intelligence? Geoffrey Hinton, the same godfather of AI technology. यही है godfather of AI technology. और शायद Oppenheimer के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी पे आज अफसोस हो रहा है. ये अपनी ही बनाई हुई इतनी बड़ी इन्वेंशन को आज अपनी एक बहुत बड़ी गलती कह रहे हैं. और हिंटन समझते हैं कि AI आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है. वो इंसान जिसने AI टेक्नोलॉजी को बनाया वो ही कह रहा है कि AI टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देगी. यहाँ अगर आपको Oppenheimer का नहीं पता तो आपको बता दें कि ये वो इंसान है जिसने पहली बार न्यूक्लियर वेपन बनाया. और हिरोशिमा और नागासाकी के वाक्य के बाद जब उन पर एटम बॉम्ब गिराया गया और जब लाखों लोग मारे गए उसके बाद यही वो इंसान था जो सबसे ज्यादा शर्मिंदा था कि इन्होंने ये इन्वेंशन क्यों की. बिल्कुल AI टेक्नोलॉजी बनाने वाले की तरह Oppenheimer का यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले का कहना था कि वो अपनी इस इन्वेंशन पे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इंसानों की डिस्ट्रक्शन का एक वेपन बना दिया. और आज इस जमाने में कुछ उसी तरह की हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है. लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू होता है 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से. जिस AI टेक्नोलॉजी को आज आप लेटेस्ट कह रहे हैं इसको बनाने का आइडिया 50 साल से भी ज्यादा पुराना है. वो वक्त जब कंप्यूटर भी हर किसी की अप्रोच में नहीं था उस वक्त इस इंसान गॉडफादर ऑफ AI जॉफ्री हिंटन ने AI जैसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोच लिया था. लेकिन रुके जरा, यहाँ पे कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं कि AI की इन्वेंशन 1970 से भी पहले हो चुकी थी. और इसके मुताबिक तो 1950s में ही AI को एलन टर्निंग ने बना लिया था. यानी कि AI एक्चुअली 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है. और जब मैंने इसको थोड़ा सा और रिसर्च किया तो AI की इन्वेंशन में और भी बहुत से नाम सामने आने लगे. जॉन मैकार्थे, एलन टर्निंग, मार्विन मिंस्की, एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए सिम्पसन, ये वो सब नाम है जो AI के इन्वेंटर्स को सर्च करने पे सामने आते हैं. इससे हमें ये पता चला कि AI को बनाना इतना आसान नहीं था. 1950 से लेकर आज तक डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की और AI टेक्नोलॉजी को बढ़ाते गए. लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें तो जॉन वॉन और एलन टर्निंग का नाम फाउंडिंग फादर ऑफ AI टेक्नोलॉजी में आता है. लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल लेवल था AI टेक्नोलॉजी का और उस वक्त तक तो AI नाम का यूज भी नहीं किया गया था. एक्चुअली 1950s में टर्निंग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको एक्सपर्ट कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज करते थे, ना कि ये कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने में यूज होता था. तो एक बात आप सोच रहे होंगे कि अगर 1950s में एलन टर्निंग ने ही AI टेक्नोलॉजी को बना लिया था तो गॉड फादर ऑफ AI जॉफ्री हिंटन को क्यों कहते हैं. एक्चुअली गॉड फादर ऑफ AI जॉफ्री हिंटन ही वो इंसान है जिन्होंने वो सिस्टम बनाया जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करता था बल्कि कंप्यूटर को ही इंटेलिजेंट बना देता था. और जॉफ्रे का कहना है कि इनकी इन्वेंशन एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है, ये कोई सोची समझी या प्लानिंग से की गई इन्वेंशन नहीं है बल्कि अचानक से हो गई. वो एक्चुअली कंप्यूटर में एक ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर बना के इंस्टॉल करना चाहते थे जो ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करे. क्योंकि वो AI टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे थे, वो असल में ह्यूमन ब्रेन पर स्टडी कर रहे थे और इसी को आसान बनाने के लिए वो ऐसा एक टूल बनाना चाहते थे. और यहीं से हिंटन को आइडिया मिला कि वो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क की तरह लर्निंग एबिलिटी रखता हो और फिर वो इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दे, जिसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो न्यूरल नेटवर्क यूज किया गया है वो एक्चुअली कॉपी है एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की. यानी कि आप कह सकते हैं कि AI टेक्नोलॉजी एडवांस वर्जन है ह्यूमन ब्रेन का. ये वैसे ही काम करता है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, लेकिन शायद उससे हजार गुना ज्यादा तेजी से. और ह्यूमन ब्रेन क्या कर सकता है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं. अब यहाँ पे पढ़े जरा, न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड है जो AI को लर्निंग और डेटा प्रोसेस करने में मदद करता है. एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन. और इसमें मशीन लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं डीप लर्निंग दैट यूजेस द इंटरकनेक्टेड नोड्स और न्यूरॉन्स इन अ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स द ह्यूमन ब्रेन. और ये देखें, यहाँ लिखा है इट मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन. यहाँ जहां भी आप पढ़ लें, जहां भी रिसर्च कर लें, हर जगह यही लिखा है कि AI टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग एबिलिटी है
वो उसी तरह काम करती है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी काम कर रही है, बल्कि इट्स एडवांस वर्जन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो क्या होगा कि अगर AI ने भी इंसानों की तरह सेल्फ डिसीजन लेने शुरू कर दिए, और क्या होगा अगर AI को ह्यूमंस अपने लिए खतरा नजर आए। AI को पता चला कि इनको बनाने वाले इनके गॉड इनके क्रिएटर ह्यूमन है और यही इनको तबाह कर सकते हैं। और जैसे इंसान की सर्वाइवल एक्सटिंक्ट एक्टिव हो जाती है जब उसे खतरा महसूस होता है, जब उसे पता चलता है कि ये इंसान या ये चीज या ये जानवर उसको मार सकता है, तो इससे पहले कि सामने वाला उस इंसान पे हमला करे उसकी सर्वाइवल एक्सटिंक्ट एक्टिव होती है और वो वापस हमला कर देता है और खुद मरने से पहले पहले मुकाबला करके उसी को मार डालता है। और यही डर है एक्सपर्ट्स का जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से जानते हैं। वो एक्चुअली जानते हैं कि AI टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। वो ये जानते हैं कि जो चीज़ इंसानों ने हजारों सालों में सीखी वो चीज़ AI टेक्नोलॉजी या कोई AI रोबोट कुछ घंटों में सीख सकता है। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि किसको पहली बार पता चला है कि AI का न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली इंसानों का ही जो न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन का नेटवर्क है उसकी एक एडवांस और एफिशिएंट कॉपी है। और क्या लगता है आपको कि क्या फ्यूचर में हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप इस तरह की इंफॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करते हैं। और अगर इस तरह की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस तरह का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जैसे ही हमारी एक नई वीडियो आए साथ ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और AI के बारे में लास्ट वीडियो देखने के लिए इस लिंक पे या इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।